तुलसी महारानी नमो नमा, हरि की पटरानी नमो नमा। धन तुलसी पूरण तप की, नो शाली ग्राम बनी पटरानी। जागे मंत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नवेद आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी। छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमान। सभी सखी मैंने तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 28। पढ़े सुने जो प्रेम से, वहाँ हो जाए शुद्ध स्वरूप। यहाँ 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनु। धन दत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम में द्वारपाल हुए। दोनों पशादों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृण बिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ में महर्षि कंदर्व की दृष्टि मात्र से दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जाने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन किया करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में और यज्ञ के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लांग दंड पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्होंने पूर्ण जन का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वे गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी गए और तो उस समय ग्रह के शाप के हेतु वो स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रामानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसे रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। धर्मदत्त, तुम भी ईर्षा द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। विप्रय, तुम धन हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वार वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्म दत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों वामनचारी पदार्श उस कला के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहांतवास के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह
जगत गुरु भगवान की कृपा से उसका सांध्विक प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 28 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, इसका अगला भाग, इसका अगला अध्याय सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।